अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि आज मेरा मतलब है कि बर्थडे थी मेरे हस्बैंड की, तो उसकी हमने प्रिपरेशन की है और काफ़ी सारे काम भी थे उस दिन, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और हमने कहीं जाना भी था, इस्लामाबाद काम से जाना था, तो सुबह हम चले तो गए थे इनके साथ ही, लेकिन जाहिर सी बात है अब इन्होंने ऑफिस भी जाना था, तो अब अपना ऑफिस छोड़ के वो हमें लेकर भी जाएं और फिर वापस भी लेकर आएँ, तो फिर ऑफिस कब जाते, तो इसलिए हमने सोचा चलो उनको तंग नहीं करते हैं। सुबह तो हमने तंग कर लिया था, फिर हमने सोचा चलो वापसी में हम जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान में जो बस सर्विस था ना उसका इंतखाब किया, तो हम फिर उसके ज़रिए वापस आए थे। और उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम आपको मैं आगे दिखाती जाऊँगी, आप लोग देखते हैं। फिलहाल पहले चल के देखते हैं ये जो हमने बस का सफ़र किया था ना, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि हमारा सफ़र कैसा गुजरा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। असल में मेरा हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसका, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब आगे जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सरप्राइज है। मैंने असल में बहुत मेहनत से ढूंढा है ये सारा कुछ, तो चलें आप लोग भी देखिएगा। और ये मेरे हस्बैंड के लिए सरप्राइज है, तो देखते हैं उनको भी कैसा लगता है। सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के
के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जा लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. So friends, अब तक आप लोगों ने देखा, इसके बाद हम लोग, हम सब के ऊपर से एक बहुत बड़ी तकलीफ से हम गुजरे। बहुत बड़ा सानिया हमारे लिए था कि अली के फादर और मेरे मामू इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद इन्होंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन जब इनकी बर्थडे का टाइम आया तो जो हमारे कजन हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपनी बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करो, क्योंकि उससे मामू की रूह खुश होगी, और अगर आप नहीं सेलिब्रेट करोगे तो फिर उनको दुख होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि कितने अच्छे से वो हमेशा उनकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते थे। तो इसलिए उनके कजन ने जबरदस्ती जो है ये बर्थडे मनाई। और फिर उसके बाद इनके कुछ अजीज हैं मेरे हस्बैंड के, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। तो उसके बाद आगे आप लोग देखें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज जरूर बताइएगा। और अब तक की जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखी है वो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम अपनी गलतियों को, अगर हमारी कोई गलती है तो वो आप हमें बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, गेस्ट ने भी आना था, उनके आने से पहले पहले मैंने सारा काम करके रखना था, डेकोरेशन करनी थी, खाना पकाना था, घर की सफाई वगैरह, कपड़े वगैरह भी इस्त्री करने थे, ये सब मैंने हस्बैंड के आने से पहले पहले सारा कुछ करके रखना था। और मैंने क्या कुछ किया और कैसे कैसे किया था?
Hello, it's me. Hello, it's me. चोट लग गई। देखा आप लोगों ने कि किस तरह बैलून फट गया था और चोट वाकई बड़ी जोर की लगी थी। तो ऐसा आप लोगों के साथ किस किस के साथ हुआ है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बैलून फुलाने से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी करना जरूरी होता है, कभी कभी करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, चोट लग गई थी। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं आप लोगों के साथ ये किस किस के साथ ऐसा हुआ है। जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बर्थडे देखी, हो गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम टाइम पर हो गए थे और गेस्ट भी आ गए थे हस्बैंड के आने से पहले सारा काम शुक्र है हो गया। और गेस्ट कौन थे वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये अक्सर आप लोगों को हमारे व्लॉग में नज़र आते हैं। और समी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, SH व्लॉग्स वाले हमारे समी। और उसके बाद हमने रिफ्रेशमेंट का ज़रा बाहर जाने का प्लान बनाया था, तो चलिए वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आशिर बेटा बोल दो पापा 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 हैप्पी टू यू हैप्पी टू यू बर्थडे पापा हैप्पी टू यू पापा। रिफ्रेशमेंट करने के लिए यहाँ पर आके बैठे ये हमारा बच्चा अगवा हो गया
बाहर कौन? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। और आज आप दोस्तों को हम लेकर जा रहे हैं कहाँ पर भला, कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ, आज हम आप दोस्तों को लेकर जा रहे हैं जी मछली खिलाने। जी तो पिंडी की बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। और आज आप दोस्त देख रहे होंगे कि आज मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं हूँ। तो जी बिल्कुल, आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और ये देखें जी पीछे जनाब, ये देखें जी ये सिनेरियो है। और ये आज ड्राइविंग सीट आप देख रहे हैं आज एसएच व्लॉग्स और फिया व्लॉग्स, क्या हालचाल है आप लोगों के? दोनों एक ही कार के अंदर मौजूद हैं, वो भी एसएच व्लॉग्स की। माशाल्लाह से अच्छा। तो आज जनाब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट आए हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं पिंडी की फेमस फिश, फ्राइड फिश जहाँ पे मिलती है। तो चलें आप दोस्तों हमारे साथ चले और आप लोगों को भी खिलाते हैं। हमारी गाड़ी जो है वो आप दोस्तों को अब नजर आएगी। जी दोस्तों हम लोग गाड़ी हमने पार्क कर दी है। ये जगह जी कहलाती है हाथी चौक, और हाथी चौक में ये फेमस जगह है हमारी। तो चलो चलते हैं जी। दोस्तों हम लोग इस वक्त हाथी चौक में हैं और यहाँ पर आप लोगों को पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं, काफ़ी रौनक है, काफ़ी ज़्यादा रौनक है। और हम लोग जा रहे हैं मछली खाने के लिए, आइए दोस्तों साथ आते चलो। जी फ्रेंड्स, तो व्लॉग आप लोगों ने देखा, ये हमारा बर्थडे स्पेशल व्लॉग था। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कहीं और पाकिस्तान के किसी खूबसूरत इलाके में आप लोगों को सैर करवाएंगे। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर करें, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।